हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, कितने एक्साइटेड है, मनी है? नमस्कार, मैं श्रवण नाइक, जो ये फिल्म बना है सिर्फ मनी करके, उसके प्रोड्यूसर और राइटर का बेटा हूँ, और बेटे के नाते मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि मेरा जो डैडी है, मतलब सत्यवान नाइक जी, वो जाने माने गोवा के एक कलाकार है। उसने गोवा में बहुत, मतलब वो सिंगर भी है, बहुत पहचाने वाले भी है, और उसके ऑर्केस्ट्रा भी गोवा में चलते। तो इस बार उसने एक कदम आगे करके उसने एक फिल्म बनाया है सिर्फ मरी करके, और उसमें से सब एक एक्चुअली गर्ल्स के लिए एक अवेयरनेस है कि क्या होता है दिनों में, मतलब वो लोग जब एक्ट्रेस बनना चाहते हैं और उनका लाइफ कैरियर आगे लेने के लिए देखते हैं, तब वो लोग एक कदम लेते हैं, तब कैसा क्या हो, एक स्ट्रगल कैसा रहता है, वो दिखाया गया है। तो सब लोगों को मैं एक कहना चाहता हूँ कि एक ये मूवी देख के आपको एक अवेयरनेस आएगा कि कैसा क्या स्ट्रगल होता है ये फिल्म में दिखाया गया है। और मैं सबसे पहले सत्यवान नाइक जी है, जो मेरे डैडी है, उसको एक शुभकामना देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा ये फिल्म उसने तीन साल लगे ये फिल्म बनाने के लिए, उसके लिए उसको एक शुभकामना, और उसके टीम के लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। थैंक यू। मेरी तरफ से ये है कि पिक्चर मैंने देखी है सिर्फ मनी, और मिस्टर नायक साहब ने जो पिक्चर बनाई है आज इंडस्ट्री के लिए, वो लड़कियाँ जो इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल करती है, और इतना बताया हुआ कि स्ट्रगल करना कितना कठिन है और किस तरह से आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर सुदेश बेरी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और सारे एक्टरों ने अच्छा काम किया है, डायरेक्टर ने अपना अच्छा काम किया है, अपना जॉब किया है, और नायक साहब ने, प्रोड्यूसर ने जो किया है, जो मेहनत की है, वो उसने रंग लाया इस पिक्चर के अंदर। इतनी अच्छी पिक्चर बनी है कि सभी एक्टरों ने सब अपना अपना काम अच्छा किया। जीतू जी, क्या कुछ कहना चाहोगे सिर्फ मनी किस प्रकार की फिल्म है, और आज खासकर के थिएटर में लगी है, मेरे ख्याल से पहली फिल्म होगी आपकी जो थिएटर तक पहुंची है, कितने एक्साइटेड है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक टाइम था 10-15 साल पहले, हम लोग दूसरे लोगों के प्रीमियर देखने आते थे, बहुत लोगों के हम लोगों ने प्रीमियर देखे हैं यहाँ पे, आज मेरा खुद के पिक्चर का प्रीमियर हो रहा है, तो एक बहुत जो दिल से खुशी हो रही है। और ये जो फिल्म है, ये फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बनी हुई है, इंडस्ट्री में जो लड़कियाँ आती है उनके गाइडलाइन के ऊपर बनी हुई है कि कैसे लोग उनको फंसाते हैं, उनके यूज़ कर लेते हैं, ये पूरा जर्नी है लड़की का। और 90% लड़कियाँ यहाँ पे आती है, उनको यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, डी है, वो उनको कैसे उल्लू बनाते हैं, उनका पैसा खाते हैं, ये सब है ये फिल्म में। और इसमें से बहुत अच्छे लोग भी है, ये भी ये फिल्म में दिखाया हुआ है। और ये फिल्म में एक बड़ा मैसेज है, ये फिल्म UA है, मतलब पेरेंटल गाइडेंस है। ये फिल्म में एक बहुत अच्छा मैसेज का है कि जब कोई लड़की मुंबई आती है तो उनके पेरेंट्स ने उनको देखना चाहिए कि मुंबई में अपनी लड़की क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसको गाइड करना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और लड़की को, अगर जो नई लड़की आएगी उसको ये इसमें पता चल जाएगा कि मुंबई में कैसे होता है, कैसे लोग उनको यूज़ करते हैं, ये पूरा ये फिल्म में दिखाया गया है। यंगस्टर है सारे फिल्म में आपके, क्या उसको लेके चैलेंज था या सुविधा थी सारे नए लोगों के साथ काम करना, कितना चैलेंज था, डिफिकल्ट था? देखो, ये हमारे फिल्म में जितने एक्टर्स हैं वो सब नए हैं, सिर्फ सुदेश बेरी जी है, उन्होंने बहुत काम किया है, 40-45 साल का उनका एक्सपीरियंस, बाकी सब नए हैं। लेकिन कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इनके साथ नए हैं, इनको एक्टिंग नहीं आता है, सब मजे हुए कलाकार है, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हम लोगों ने उनको चांस दिया है। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है उनका एक बहुत अच्छा मोटो है, वो नए लोगों को चांस देते हैं। तो ये फिल्म में ऐसे आप देखोगे तो ऐसे नहीं लगेगा कि नए, क्योंकि मेरी भी पहली फिल्म है, लेकिन ऐसे नहीं लगता है कि फिल्म एकदम ये है करके। थैंक यू।
तो बहुत अच्छा चल रही है फिल्म। कहाँ पे शूट हुआ था, शूट वगैरह कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये पूरा फिल्म हम लोगों ने गोवा में शूट किया था और मुंबई के हिसाब से हम लोगों ने 8 दिन मुंबई में शूट किया और जर्नी बहुत अच्छी थी। जब शुरू किया फैमिली जैसा काम शुरू किया, ख़त्म हुआ तो भी सब एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। बहुत अच्छी जर्नी है हमारी। देखिए क्या होता है हिंदी फिल्म में, क्या होता है हर टाइम बड़े एक्टर्स को देख के ही लोग थिएटर में जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक नया ट्रेंड लाया है, हम लोगों ने नए आर्टिस्ट को काम दिया, तो मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और बोले कि नहीं बाबा, और नए आर्टिस्ट को इंक्रेज करें फिल्म में, ये फिल्म में आके देखे और नए आर्टिस्ट को इंक्रेज करे और एक नया ट्रेंड क्रिएट करे कि बड़ा आर्टिस्ट नहीं, नए आर्टिस्ट भी ये फिल्म में चलेंगे। और हिंदी इंडस्ट्री में नए नए आर्टिस्ट जब जैसे आएंगे वैसे वैसे उनको बड़ा चांस मिलेगा, तो एक नया नया क्रिएशन क्रिएट हो जाए हर टाइम। सत्यवान जी, आपको कुछ चैलेंज लगा नए लोगों के साथ काम करना एज ए प्रोड्यूसर? नहीं नहीं, सब ये नए लोगों को मैंने एक महीना रिहर्सल लेके रखा था, एक महीना रिहर्सल किया था हमने, डांस का भी रिहर्सल किया था और सब आर्टिस्ट ने अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम किया सबने, अच्छा काम, कोई लगेगा कि नहीं नया एक्टर है, सभी ने अच्छा काम किया है। और डायरेक्टर में नया डायरेक्टर, इसको भी मैंने चांस दिया फर्स्ट टाइम, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, रंगीली अपूर्वा उसका नाम है, अपूर्वा आनंद, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। सुदेश बरी तो बहुत बड़ा एक्टर ही है, उसने तो बहुत धमाल किया है, राधा और उसकी माँ सब ने अच्छा काम किया है, मेरे सब एक्टर ने इतना अच्छा काम किया मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि और फैमिली जैसा ही उन्होंने काम किया, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया है। और ये फिल्म मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसे ही कलाकार करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा काम किया सबने, मैं सबका आभारी हूँ। अभी हमने 340 थिएटर में पूरे इंडिया में 4 तारीख को रिलीज़ हो रही है मेरी फिल्म, 4 अगस्त को। ये फिल्म अभी सिर्फ मनी हमारी जो फिल्म है ये 4 अगस्त को पूरे इंडिया में 300 थिएटर में लग रही है और ये फिल्म गोवा में हम लोग ज़्यादा ये करें कॉन्सेंट करें, क्योंकि गोवा एक अच्छा ये है और पूरे इंडिया में हम लोग ये फिल्म का प्रमोशन करें। और मुझे मेरी एक गुजारिश है सब लोगों को कि नए आर्टिस्ट को आप एक अच्छा सा ये दे दो, इनक्रेज करो, ये फिल्म आप देखोगे तो नए प्रोड्यूसर आएंगे वो नए आर्टिस्ट को चांस देंगे, तो नए नए चेहरे आपको हर टाइम नए फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिले। काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ेगी उन स्ट्रगलर्स पर, वो काफ़ी सोचने समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस इंडस्ट्री में आना कितना मुश्किल है और पैर जमाना कितना मुश्किल है। एकदम सटीक सत्य कथा है ये, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, बहुत परफेक्ट फिल्म है। माय सेल्फ फारूक अली, ये फिल्म बहुत अच्छी है और सिर्फ मनी है तो जैसा नाम है वैसी फिल्म भी है और वाकई रियल स्टोरी पे फिल्म बनाई गई है और इसका जो मेकिंग है वो भी बहुत अच्छा बनाया गया है और ये जितने भी स्ट्रगल हैं उनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है और ये जो मतलब फिल्म चलने वाली है बहुत अच्छी चलेगी और अच्छी धूम मचाएगी ये फिल्म और बिल्कुल रियल बेस स्टोरी है ये। थैंक यू। इसमें से पूरा 5। दोस्तों ये जो फिल्म बनी सिर्फ बनी काफ़ी अच्छी फिल्म है और इसमें हमने बहुत कुछ सीखने मिला, जो आजकल जो चल रहा है माहौल इस सबसे फिल्म बनी के लोग यहाँ हीरोइन बनने आते हैं जो अपना पूरा करियर लगा देते हैं, बाद में उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं तो भटक जाते हैं, रहा तो उस टाइप की ये फिल्म दिखाई, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, तो लोग कैसे फंस जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, काफ़ी अच्छी फिल्म है दोस्तों, फिल्म देखिए काफ़ी अच्छी फिल्म है, आपको पसंद आएगी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, काफ़ी अच्छी फिल्म है, बढ़िया फिल्म है, चलेगी फिल्म जरूर चलेगी। थैंक यू।
दूसरा डायरेक्टर अभी नया फिल्म लेके आए, इससे बहुत बेहतरीन फिल्म लेके आए, बहुत अच्छा लगा, कुल मिला के यार वेरी नाइस, सब लोग ने अच्छा काम किया, थैंक यू। मार्गदर्शक करेगी, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा।